तेरह साल की उम्र में हम जब थे मतलब आप तो बहुत पहले रहे होंगे <laughs> तो तेरह साल में हमारे पास आमदनी का क्या जरिया होता था कि घर से पैसे मिले दुकान से ये चीज़ ले आओ तो उसमें रुपए, दो रुपए, चार रुपए बचा लेते थे तेरह साल का एक लड़का करोड़ों ले गया मतलब एक करोड़ तो एटलीस्ट ले ही गया तो वो साठ पैसे या एक दशमलव एक करोड़ के साथ बैठे तेरह साल के नाइनटी टू में सौरभ गांगुली जब डेब्यू कर रहे थे नेट सेशन लगाने क्लब में आपने देखा होगा उनके शॉर्ट लाजवाब होते हैं ईयर ओल्ड पावर उनसे मैंने पूछा यार आधार कार्ड चेक कराया था उसका पर ऑल आउट हो गए थे उसके बाद क्या आपने चांस दिया था इंडिया को कि क्या हम जीत सकते हैं हमारे पास तो था ही ओजी जसप्रीत hmm. yes. जो जो डाला था था उसके बाद जो का चार ओवर था, पूरा कमर तोड़ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया मुझे नहीं याद आता किसी टीम ने ने की इस तरह से नाक रगड़ी हो जैसे इंडियन एक टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ही जमी अब ऑस्ट्रेलिया में स्कैंडल एक बहुत बड़ा आ गया है क्या टीम में दरार है एलन बॉर्डर अगर वो कप्तान होते वो तो मतलब गुस्से से लाल हो जाते हैं ये ऑस्ट्रेलिया टीम है ऑस्ट्रेलिया का जो टॉप ऑर्डर है ना अभी थर्मोकोल का बना हुआ है वही चीज हो रही है जो इंडिया यहाँ करने की कोशिश करता है शायद ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ कोशिश पैट की पैट कमिंस किसके साइड दे रहे क्या वो कह रहे होंगे कि <laughs> शब्द हमारे हैं वचन उनके <laughs> <laughs> मुझे तो याद नहीं है कि विराट कोहली ने कब एक स्पिनर को रिवर्स, रिवर्स मारा ना था, था। सबसे बड़ा सरप्राइज है शार्दुल ठाकुर का नाम इतना एक अनसोल्ड जाना के का कप्तान मुझे नहीं समझ आ रहा कौन हम्म सबसे बड़ा मतलब यक्ष प्रश्न यही बना हुआ कि किसको बनाएंगे कप्तान ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा के आप अयर कनेक्शन देखोगे <laughs> तो आप समझ सकते हो <laughs> एक और वैसे कप्तानी को लेकर और ये सबसे बड़ी हेडलाइन है शास्त्रों में चार अवस्थाएं बताई गई हैं जीवन की मैं उसमें नहीं पढ़ रहा हूँ मुझे सबसे बेहतरीन जो अवस्था लगती है वो टीन एज की लगती है और वो टीन एज थर्टीन से शुरू होता है ठीक है और चार नंबर से, हाँ, से, से, से शुरू किया तीन लोग हैं वही बात है ऐसा क्या ऑप्शन चार में चार यार मिल जाए वही इस बार तो तीन है मतलब ठीक है हमारे इकबाल हैं नहीं एक बार फिर से थोड़ी फैमिली इमरजेंसी के चलते वो आ नहीं पा रहे हैं लेकिन ये ताम झाम देख करके हमारे व्यूअर्स को हमारे लिसनर्स तो नहीं देख पाएंगे वो सुन के ही महसूस कर सकते हैं यूट्यूब पे पहुंचेंगे तो देख भी सकते हैं आई हाँ। पी का ऑप्शन अभी अभी बीता है हैंग अभी भी दिख रहा है हमारे चेहरों पर इस तरीके से हमने पूरा दिन ओवर इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम सोए नहीं है अच्छे से पिछले कई दिनों से लगातार एक तो सुबह से टेस्ट मैच शुरू हो जाता था और रात तक आई पी एल चलता था तो जितने भी स्पोर्ट्स टीम के सदस्य हैं वो वैसे ही हंग लग रहे हैं उसके बाद हमारा इवेंट भी था एक बड़ा सा हाँ साहित्य आज तक वहाँ आपसे मिले थे और आपने बहुत अच्छी अब वहाँ पे जो लोग क्या काफी लोग नहीं आए होंगे जो हमें सुनते हैं बिल्कुल वहाँ आपने बहुत बड़ा कोडिंग एक स्टैंडी टाइप भी लगाया हुआ था हमारे पॉडकास्ट का तो बड़ा अच्छा लगा मुझे बिल्कुल जो लोग मिस करेंगे मैं वीडियो में लगवा दूंगा उसको अरे वेरी गुड आइडिया देख लेंगे यहाँ पे है ना बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों के तो ट्रिपल राम था साहित्य तक फिर ये वेलकम टू तो वर्ल्ड कप कवरेज तो।, तो मैं तेरह पे सर इसलिए था मैं ये जानना चाह रहा था कि तेरह साल की उम्र में हम जब थे <laughs> मतलब आप तो बहुत पहले रहे होंगे <laughs> तो तेरह साल में हमारे पास आमदनी का क्या जरिया होता था कि घर से पैसे मिले दुकान से ये चीज़ ले आओ तो उसमें रुपए दो रुपए चार रुपए बचा लेते थे तेरह साल का एक लड़का करोड़ों ले गया मतलब एक करोड़ तो एटलीस्ट ले ही गया है एक थोड़ी सी तो मतलब जेलसी होती है या लगता है हमारे टाइम में ये आई पी एल की मैं आपको बता देता था, था। तेरह साल की उम्र में मैं उन दिनों में कलकत्ता रह रहा था मैं क्रिकेट खेलता था अकेडमी में जाता था खेलने मुझे अभी भी याद है सुबह सुबह वीकेंड सैटरडे संडे को जाता था बाकी दिन स्कूल होते थे तो मैं बस पकड़ता था मेरे घर के बाहर से एक बस आती थी बस वो लेके जाती थी अकेडमी तक और साठ पैसे की टिकट होती थी मुझे अभी याद है साठ पैसे में देता था तो एक टिकट देते थे साठ पैसे में पहुंचता था और साठ पैसे मुझे चाहिए होते थे वापस आने के लिए तो एक रुपये बीस पैसे मैं अपनी जेब में डालता था क्रिकेट की क्रिक, किट क्रिक, क्रिक उठाता था, था और जाता था तो और कभी कभी ऐसा होता था, था कि वो भी मेरे पास पूरे नहीं होते थे तो मैं वहाँ अकेडमी में ना जो सीनियर लड़के होते थे उनसे मांग लेता था, था कि आज थोड़े या मैंने उस साठ पैसे का वो नींबू पानी पी लिया तो यार बस के लिए चाहिए तो वो साठ पैसे हैं या एक दशमलव एक करोड़ के साथ बैठे तेरह साल के लड़के

नाइन्टी तेरह से मैं थोड़ा आगे चला गया था पर क्योंकि कई साल मैं वहाँ खेल रहा था लेकिन नाइन्टी टू में सौरव गांगुली जब डेब्यू कर रहे थे तभी मैं उस क्लब में खेल रहा था तो वो आए थे नेट सेशन लगाने क्लब में तो हम लोग सब ना खड़े हो गए थे नेट के पास कि यार इंडिया का प्लेयर आया है आज नेट्स कर रहा है तो सीनियर टीम के लड़के बॉल उनको डाल रहे थे हम मिडिल टीम में आ गए थे तब तो देख रहे थे खड़े होकर कि ये बैटिंग कर रहे हैं मैंने दादा को बताया भी कि आप नेट लगाने आते थे वहाँ पे तो मैं उस क्लब के लिए खेलता था तो मैंने देखा है आपको नेट करते हुए आप सिद्धार्थ तेरह साल की उम्र में तो देखिए हम उतना तो नहीं खेल रहे थे बम्बई में बम्बई में हम स्कूल में थे सचिन तेंदुलकर के जो डेजर्ट स्टॉन्ग के सपने देखकर लगता था हाँ यार खेलना तो चाहिए, चाहिए। लेकिन हाँ दो रुपये तीन रुपए के मगजमारी में मतलब अगर चुस्की मिलता था जो होता था ना वो कलरफुल वो जो आइस गोला होता था उसके लिए बड़ी जद्दोजहद होती थी यार पाँच रुपये हिम्मत कैसे हुई पाँच रुपये तुम्हें खरीद खर्च करने के लिए तो इसलिए मैंने बोला रहे यार पाँच रुपये भी नहीं दे रहे हो यहाँ तो एक दशमलव एक यस yes. वही तो वो नंबर होना चाहिए आपका तेरह नहीं एक दशमलव एक अच्छा मुझे तो यकीन नहीं हुआ हमारे जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का स्पोर्ट्स स्टूडियो में उनका वहाँ एक इंटरव्यू भी पड़ा है तो जो लड़के करने गए थे उसका इंटरव्यू मेरे कोलीग हैं वो अच्छा पॉडकास्ट में भी तो आए हैं शाश्वत है। तो उनसे मैंने पूछा यार तुमने आधार कार्ड चेक कराया था उसका तो <laughs> ये ये छः छः आठ महीने पुरानी बात है वो इंटरव्यू करके आए थे <laughs> क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी रन बना रहे थे तो बोला हाँ सर मैंने चेक किया था तो 2011 का बर्थ है उसका तो मतलब आधार कार्ड में तो है तेरह साल का लेकिन वाकई क्योंकि मैंने जब इंटरव्यू देखा तो मुझे तेरह साल के लगे नहीं वो अब ये नहीं कह रहा कि वो नहीं है हाँ पर मैं कह रहा हूँ अगर वो तेरह के हैं तो वो लगते पंद्रह सोलह कई होते ना सचिन तेंदुलकर जब गए थे सोलह साल में पाकिस्तान में खेलने तो वकार वगैरह है यार वो सोलह नहीं वो तो लग चौदह के रहे उसके दूध के दांत नहीं टूटे ऐसे कमेंट्स आए थे ना वो सोलह भी नहीं वो चौदह के लग रहे थे अब ये तेरह के हैं पर ये सोलह के लग रहे पावर फॉर अ ईयर ओल्ड आपने देखा होगा उनके शॉर्ट ये लाजवाब होते हैं फॉर अ ईयर ओल्ड इतना पावर ये वही मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं कि कोई प्रोडिजी नहीं आए होंगे तेरह साल में कई अच्छे प्लेयर होंगे दुनिया भर में पर उस तरह की पावर उस तरह की बैटिंग तेरह साल में मैंने मैंने ब्राइटेस्ट चौदह साल पंद्रह साल के लड़के के बारे में सुना था वो सचिन तेंदुलकर ही थे लेकिन ये तो उससे भी एक कदम आगे नजर आ रहे हैं जिस तरह की बैटिंग करें अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे ऐसे बहुत होते हैं छोटे लेवल पे बिल्कुल पृथ्वी शो सबसे बड़े उदाहरण है उनके बारे में कहा आ? गया था कि ही कुड बी द नेक्स्ट तेंदुलकर मैं मैं कई बार जैसे बच्चों की जैसे टॉक देता हूँ कई बार स्कूलों में जा तो मैं ये उदाहरण इसलिए देता हूँ रॉजर फेडरर का देता हूँ माइकल जॉर्डन का देता हूँ कि ये शुरुआत में इतने चैंपियन नहीं थे रॉजर फेडरर अपने कंट्री में अंडर फोटीन के कुछ टूर्नामेंट में हार गए थे तो जिससे वो हारे थे वो भी प्रोफेशनल प्लेयर बना और उस थिंग उसकी हाईएस्ट रैंकिंग में नाम भूल गया उसकी हाईएस्ट रैंकिंग कुछ 600 थी वर्ल्ड की वही लड़का जिसने अंडर 14 में हराया था।, था।, था तो उसकी हाईएस्ट रैंक 600 नंबर पे पहुंची एटीपी में और रोजर नंबर वो कहां वो कहां वो रह रह गए गए ए चले गए माइकल जॉर्डन अपने हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम में सेलेक्ट नहीं हुए थे खेलते थे बास्केटबॉल सिलेक्शन में गए सेलेक्ट नहीं हुए यानी उन दस लड़कों में भी नहीं थे जो टीम के लिए सिलेक्ट हुए बिल्कुल लेकिन जब तक कॉलेज में पहुंचे तो वो यू एस ए क्या वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बनकर उभरे तो वो जो दस लड़के उनसे पहले खेल रहे होंगे उनके शायद नाम भी किसी को नहीं आता तो वही पीक किसी का जल्दी आता है किसी का लेट आता है तो आज आई पी एल पर थोड़ी सी आई पी एल ऑप्शन पर चर्चा होगी लेकिन उस पर आए उससे पहले एक और बेहद महत्वपूर्ण घटना घटी है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारतीय टीम के लिहाज से पर्थ टेस्ट में हमने जिस तरीके से जीत हासिल की है अभूतपूर्व है अविस्मरणीय है मतलब वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट विक्ट्रीज़ इंडिया के हम बात करते हैं इडन गार्डन्स की 2001 में जो हमने जीता था मैच गावा की बात करते हैं हम है ना बट ये भी उससे कहीं कम नहीं है देखा जाए तो और स्पेशली जहाँ से हम वापस आए 150 फिफ्टी पर ऑल आउट हो गए तो उसके बाद क्या आपने चांस दिया था इंडिया को कि क्या हम जीत सकते हैं mm. मैं ऑनेस्टली mm. कहूँगा नहीं मैंने नहीं दिया था बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद टिपिकल अगर वो पर्थ पिच होता तो 150 आउट फिर 200 300 बनाते एक लीड बनता फिर इंडिया प्रेशर में आते लेकिन मैंने इस चीज का बार्गेन नहीं किया था कि यार ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों की इतनी मतलब कमजोर प्रदर्शन रहेगी hmm. और हमारे पास तो था ही ओ जी hmm. जसप्रीत बुमराह yes. जो स्पेल डाला था उन्होंने छ ओवर तीन विकेट उसके बाद जो नेक्स्ट स्पेल का चार ओवर था पूरा कमर तोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया एंड डस्टेड बिल्कुल so that's why तब

तो मैंने ये नहीं सोचा था कि फिर भारत इतने रन बनाएगा पर जब मैंने दोनों पारी देख ली फिर मुझे लगा इंडिया जीती क्योंकि यहाँ से उस पिच पे अगर आपने 40-45 रन की लीड ले ली तो बहुत मुश्किल है किसी का कवर करना फिर टेस्ट मैच ने बिल्कुल ही अलग जो रंग है वो इख्तियार किया लेकिन तब जब ऑस्ट्रेलिया को आपने आउट किया मुझे लगा ये टेस्ट इंडिया जीतेगा लेकिन आपने जीत के बारे में बात की देखिए आंकड़ों के लिहाज से तो कई और जीते हैं अभी सिद्धार्थ बताएंगे भी पहले भी हम चर्चा कर रहे थे ये इससे पहले भी बड़ी आ, अंतर से ऑस्ट्रेलियाई टीम हारी है पर मैं आंकड़े नहीं देख रहा मैं वही जब मतलब जब से क्रिकेट देख रहा हूँ मुझे नहीं याद आता किसी टीम ने ऑस्ट्रेलिया की इस तरह से नाक रगड़ी हो जैसे इंडियन टीम ने एक टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ही जमीं पर करी है क्योंकि हम उस दिन भी बात कर रहे थे दो आठ uh, की सीरीज याद आती है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की उसमें साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा प्रदर्शन था लेकिन सेशंस जो है ना वो बढ़ जाते थे यहाँ पे आप देखें हर सेशन भारत ने डोमिनेट किया दो सेशन जो देते हैं वो ऑस्ट्रेलिया को दिए गए थे वो भी पहले दिन क्योंकि आपने जल्दी से आउट कर दिया था इंडिया को तो लगा ये उनके सेशन है लेकिन आज अगर आप बोलेंगे सेशन बांटे तो शायद वो सेशन भी भारत को ही जाएंगे तो इतना कंप्लीट डोमिनेंस इतना कंप्लीट डोमिनेंस मुझे नहीं याद आता किसी भी ट्रैवलिंग टीम ने ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियाई अभी पर ऑस्ट्रेलिया को इतनी बुरी तरह जिसको पिटाई में कह दूंगा वैसे ये शब्द नहीं ज़्यादा इस्तेमाल करता रहा पिटाई ऐसे करते हुए नहीं देखा कम से कम चार आपके जो प्रॉपर खिलाड़ी थे मतलब पहली कतार के जो चार खिलाड़ी थे रोहित शर्मा शुभ मंदिल जड्डू अश्विन ये चार टीम में नहीं थे उसके बावजूद मतलब हमने रगड़ दिया ये बहुत बड़ी मतलब और इसके जो असर हैं वो आपको नजर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम में वहाँ पे देखिए ये भी एक चीज़ होती है जब कोई टीम हारती है तो एक स्कैंडल ब्रेक हो जाता है इंडियन टीम के साथ भी होता है अभी इंडिया न्यूजीलैंड से आ रही थी तो शुरू हो गया था गौतम गंभीर ये वो कब जाएंगे क्या जाएंगे उन्होंने नहीं सुनी सिलेक्शन को लेकर बुमराह को किसने रेस्ट किया वो स्कैंडल तो आते अब ऑस्ट्रेलिया में स्कैंडल एक बहुत बड़ा आ गया है सामने हेजलवुड को लेकर कि भाई क्या मतलब हेडलाइन है क्या टीम में दरार है <laughs> ये हेडलाइन चल रही है वहाँ पे हालांकि मेरी गावस्कर साहब से बात हुई उन्होंने वहाँ पर कहा कि नहीं उन्हें कुछ अटपटा नहीं लगा मुझे लगा क्योंकि मुझे नहीं याद आता कि कभी कोई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आता है मतलब अगर दर्शकों को नहीं पता हेजलवुड आए थे उनसे पूछा गया तीसरे दिन के बाद कि भाई चौथे दिन क्या होगा उन्होंने कहा कि आप चेस कर पाओगे तो उन्होंने कहा अभी ये तो आप बल्लेबाजों से पूछिए कि भाई कर पाएंगे या नहीं हमने अपना काम कर लिया है हमने अपना काम तो इससे दो चीज़ें Uh, और फिर उन्होंने एक और चीज़ की उन्होंने कहा कि अब मैं तो हाँ उसी जवाब में उन्होंने कहा देखिए ये तो आप बल्लेबाजों से पूछिए क्योंकि मैं तो अब अगले टेस्ट मैच के बारे में क्या करूँगा उसके बारे में प्लान बना रहा हूँ तो दो चीज़ें यहाँ पर आती हैं एक क्या दरार है ये बल्लेबाज ये गेंदबाज ये उंगली उठनी शुरू हो गई हैं कि भाई हमने तो मेहनत करी इनके इनकी डेढ़ सौ में आउट किया तुमने हमें कुछ मौका ही नहीं दिया आराम करने का यार कुछ तो कुछ सस्त रन बना लेते या ये चीज कि दो खेमे बन गए बल्लेबाज गेंदबाज और दूसरा उनका यह कहना कि मैं अगले टेस्ट के बारे में सोच रहा हूं यह भी बहुत रेयर है क्योंकि आप ठीक है मैं मानता हूं पहाड़ जैसा लक्ष्य था कब कोई ऑस्ट्रेलियाई टीम कोई भी सिचुएशन में हार मान लेती कि मैं अगले मैच के बारे में सोच रहा हूं बिल्कुल मैंने आज तक किसी भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कोई भी जनरेशन में ये उनसे सुना हो मुझे तो नहीं आया था सही बात है भाई ट्रॉफी का नाम है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एलन बॉर्डर अगर वो कप्तान होते वो तो मतलब गुस्से से लाल हो जाते हैं ये ऑस्ट्रेलियाई ये टीम है वो कहते हैं यू वीक ऑस्ट्रेलियंस मुझे नहीं चाहिए तुम्हें टीम में अगर ऐसे बयानबाजी करते तो क्योंकि देखिए उन्होंने ऑलरेडी गिव अप कर चुके थे ये ऑस्ट्रेलियाई डी एन में वो बात है कि वो कभी गिव अप नहीं करते चाहे वो इंजरी से जूझ रहे हो आपने देखा ही होगा एक सैंपल जो मैक्सवेल के साथ हुआ था वर्ल्ड कप में yes. कभी गिव अप नहीं करते हैं वो इन्होंने ऑलरेडी डे टू में गिव अप कर दिया था hmm. अब या तो उनके पास कॉन्फिडेंस है ही नहीं प्लस वो इंडिया को बहुत मुश्किल से हरा पाते हैं ये डेकेड में अगर आप देखेंगे इंडिया का रिकॉर्ड जो है सबसे बेहतरीन रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार लगातार आप बीजीटी जीत चुके हो दो ऑस्ट्रेलिया में ही जीते हो आप तीसरे के आप कगार पे आ सकते हो साउथ अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा देश है इस इक्कीसवीं सदी में जिन्होंने तीन बार उनको लगातार हराया है अब इनके प्लान्स नहीं काम कर रहे हैं सारे जो इंडिया के बल्लेबाज हैं वो फॉर्म में आ रहे हैं बॉलर्स भी टॉप फॉर्म में तो तोड़ कैसे निकाला जाए वो फ्रस्ट्रेशन ऑस्ट्रेलिया में क्लियर कट दिख रही है और उन्होंने भी, जैसे इंडिया में होता है, आप स्विंग होगी लेकिन हमारे बल्लेबाज तो फॉर्म में नहीं है सिर्फ एलेक्स कैरी और उस्मान को बीच में मिडिल ऑर्डर तो है ही नहीं, उनका। नहीं कह रहे हैं मतलब एक बात चल रही है कि ऑस्ट्रेलिया का जो टॉप ऑर्डर है ना अभी थर्मोकोल का बना हुआ है और दिलचस्प बात यह है थर्माकोल की आप बात मगर इनको एलर्जी ऐ, है तो घबरा घबरा हाँ। नहीं लेकिन यही बात भारतीय टॉप ऑर्डर के बारे में हो रही थी एक बड़ी अलग सी चीज सामने आई है वो ये मुझे लगता है ये बिल्कुल रिवर्स जो भारतीय टीम के साथ हो रहा है ना बिल्कुल उसी तरह की चीज़ ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रही है वो क्या हो रही है कि भारतीय टीम लगातार स्पिनिंग पिचेस बना रही थी ताकि आप दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे हो और आप खुद गिर रहे थे क्योंकि आप खुद नाकाम हो रहे थे स्पिन को खेलने में तो आपके तो स्पिनर अच्छे हैं जो फ्लैट पिच पे भी विकटे निकाल देंगे दूसरी टीमों के स्पिनर इतने ख़राब होते थे कि उनको जरूरत होती थी पिच की तो आप वैसी पिच बनाते थे तो आप उनको गेम मिलाते में लाते थे मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया ने भी यही जो तेज़ तर्रार पिच बनाने की कोशिश की जूसी पिच बनाने की कोशिश की वो बाद में इसलिए सपाट हो गई क्योंकि धूप अच्छी खासी खिली रही थोड़ा सूख सी गई आपने यू नो उसका और इस बार आपने कोशिश की कि क्रैक्स ना हो और तो, मैंने सुना एक चीज़ और सुना किसी एक्सपर्ट का ही मैं ट्वीट पढ़ रहा था उन्होंने लिखा कि दूसरी सुबह जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ उससे पहले पैट कमिंस ने हेवी रोलर्स का हाँ, इस्तेमाल किया हाँ, था क्योंकि ये ड्रॉप इन पिच थे वो भूल गए शायद कि ये फ्लैट हो जाएगा बैटिंग के लिए जी, हाँ, हो जाएगा थोड़ा हाँ, नहीं लेकिन वही ना ड्रॉप उसका नुकसान ये होता है हेवी रोलर का बाद में जाके पिच ब्रेक करती है पर इस बार खासतौर पर उन्होंने इस तरह से पिच बनाई थी कि वो क्रैक्स आएंगे ही नहीं ये क्यूरेटर की हम लगातार वहां से रिपोर्ट्स आ रही थी जो हम अपने प्लेटफॉर्म पे डाल भी रहे थे तो वो समझा रहे थे कि किस तरह से वो क्रैक तो हेवी रोलर का तब फायदा होता है कि आप शुरू का एक दो घंटे फायदा उठाएं फिर बाद में परेशानी होगी अप एंड डाउन बाउंस होगा लेकिन इस बार पिच ऐसी बनाई कि वो हैवी रोलर भी उसके बैटिंग के लिए अच्छा ही होता गया तो अब आपने वो जो तेज तरार पिच बनाई तो उसमें अनुभव के लिहाज से तो ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाजी अटैक बेहतर है एक आपके पास जसप्रीत बुमराह है मैं पूरा मानूंगा बट आप ओवरऑल अटैक देखिए बिल्कुल नीतीश रेड्डी हर्षित राणा का कोई मतलब ही नहीं बनना चाहिए। सिराज भी आउट ऑफ फॉर्म थे तो और जबकि हेजलवुड स्टाक और कमिस्ट बेहतर बोलिंग अटैक है पर आपने पिच बनाई भारत को मौका मिला तो बिल्कुल वही चीज हो रही है जो इंडिया यहां करने की कोशिश करता है शायद ऑस्ट्रेलिया ने वहां कोशिश की लेकिन मैं वापस अगर उस चीज पर आऊं जो जिस तरह की जो बयानबाजी हो रही है मतलब अगर आप हेजलवुड हैं और आप वहां गए हैं क्योंकि कई लोगों ने जैसे मैं वही बता रहा हूं गास्कर साहब ने कहा कि नहीं मुझे लगा उन्होंने आके वही कहा जो उनको फैक्चुअल लगा पर आप जब वहां आते हो तो आप टीम को रेप्रेजेंट करते हो आप ये थोड़े आप गेंदबाजी के लिए पूछो तो मेरे से आप वही पूछे जो मुझे गेंदबाजी के बारे में पता है आप टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप ऐसे कैसे कर दो तो, एलन बॉर्डर ने तो वही है ना शख्स जो ये बोल रहे थे जिन्होंने डीन जोन्स को कहा था टाइट टेस्ट मैच में यहाँ चेन्नई में वो गर्मी में जूझ रहे थे खेल नहीं पा रहे थे वॉमिट कर रहे थे ग्राउंड पे तो वो जाना चाहते थे उन्होंने कहा कि नहीं मैं खेल सकता बिल्कुल जाइए इस वीक विक्टोरियन को यहाँ से लेके जाइए क्विंसलैंडर चाहिए मुझे एक टफ क्विंसलैंडर तो बोल तो डीनो ने मुझे कई बार बताई ये कहानी उन्होंने कहा जब मैंने ये सुना मैंने कहा नहीं अब तो मैं ही खड़ा हूँ अब तो मैं खेलूंगा और उन्होंने दो सौ रन मनाया तो वैसे ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का यही तो जज्बा है बिल्कुल जब जब वो दबाव में होते थे उभर के आते थे यहाँ तो अच्छा ये भी एक अनयूजल बात नहीं है हम इस पर कल कल चर्चा कर रहे थे मेरे ना थोड़े दोस्त यार हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले रणजी ट्रॉफी तो मैं अक्सर मैं ऐसे कई बार डिनर या कहीं ऐसे बैठा हूँ जहाँ जैसे टीम के छः सात सदस्य बैठे हैं मैच के बाद रणजी ट्रॉफ़ी उन दिन हम कवर भी करते थे तो उन्हीं के साथ खाना भी खा रहे तो मैं ये मैं एक तब से सुनता था कि ये जो गेंदबाज और बल्लेबाजों के बीच में होती ना अरे तुम लोगों ने मरवा दिया यार हमने तो ये किया था फिर वो कहते तुम तो ये खेमे हमेशा से बटे, बटे होते हैं हमेशा से मैंने कई टीमों के साथ ये देखा है बैटिंग बोलिंग को लेकर जब आप बैटिंग परफॉर्म नहीं करती, बोलर्स करते बॉलर्स कुछ चाहे 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 करते हैं ड्रेसिंग रूम में बिल्कुल बैटर भी वही करते हैं तो ये होता है ये कोई नहीं बट ऐसा कभी आके बाहर मैंने किसी को नहीं सुना और वो भी एक ऑस्ट्रेलिया टीम को खिलाड़ी हो ये तो कभी नहीं सुना और ये मतलब ये बताइए हेजलवुड तो चल बोलर भी हैं और आगे बोल दिया उन्होंने पैड कमेंस किसके साइड ले रहे होंगे क्या वो कह रहे होंगे कि शब्द हमारे हैं वचन उनके ये हो सकता है क्योंकि देखिए पैट कमिंस का वो कहते हैं ना कुआ या खाई वही हुआ है भाई उन्होंने सच बात तो कही है लेकिन भाई हम तो धीट ऑस्ट्रेलियन है ना कि हम कभी हार नहीं मानते हैं तो क्या करें उन्होंने तो वार्न किया कि भाई अगर ऐसा चला फिर बात नहीं बनेगी और कहीं करियर्स जो है खत्म हो जाएंगे फिर ऐसा है क्योंकि ये एक जनरेशनल ऑस्ट्रेलियन टीम है बिल्कुल मैं वही लग रहा है कि यार एक जनरेशनल ऑस्ट्रेलियन टैलेंट जो था दो के बाद से 2010 में रिकी पोंटिंग रिटायर हुए थे एशेस 3-1 हारे सब पूरा रिव्यू हुआ सब कुछ हुआ उसी में लास्ट टाइम मैंने देखा था एक ट्रैवलिंग टीम जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को रगड़ दिया था मेलबर्न मेलबर्न के बॉक्सिंग डे के पहले दिन 98 ऑल आउट फिर 513 इनिंग्स से हार गए थे वो और एशेज भी गवा दिए थे हुँ। हुँ। तब रिव्यू हुआ ये सब हुआ अब इसमें देखिए स्टार्क जा सकता है कमिंस जा सकता है शायद हेजलवुड का भी करियर नहीं हेजलवुड के पास एज है स्टार्क हेजलवुड कमिन्स और खेल सकते हैं लायन क्या पता उसके बाद आपके पास कोई एक जनरेशनल जो बैकअप है वो नहीं है तो ये बॉर्डर गावस का ट्रॉफी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी डिफेंस चला जाएगा अगर वो हार गए फोरनल या फाइनल तो फिर ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत जो सुपर पावर होता है ना जो ऊपर जाते हैं सबसे गिरते भी तो बहुत बिल्कुल धड़ाम से आवाज आ रही है आपने वो कहना कि क्या शब्द हमारे हैं क्या ये रहे वही अब शायद आज तक में जो उसी सीन में जो चीफ गेस्ट होते हैं ना जो नेता हाँ, है होते हैं हाँ. ना वो थे आप बहुत अश्लील है ये लौंडा हाँ, 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 <laughs> हाँ, 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 वो आप वो आए हाँ, थे वो मिलकर मैं को कैसे याद हुआ मैं एक सेशन कर रहा था तो सामने एक शख्स बैठे थे मुझे देख के मुस्करा रहे थे वो सवाल पूछना था मतलब मैं तो, मैंने कहा इनको तो कहीं देखा है मैंने <laughs> फिर मुझे याद आया तो वही है जिन्होंने किरदार निभाया फिर उनको एक सवाल पूछना था तो मैंने उनको कहा फिर उन्होंने सवाल भी पूछा तो वो आए हुए थे बाई द वे सर तमन्ना भाटिया और बहुत सारे आर्टर्स हाँ, से और से मिल के आए सेशन लेकर के आए तो जी इंस्टाग्राम स्टोरी मैंने देखी है सर की उन्होंने तो लिया था सब।, सब मेरे टीम वाले लड़के बहुत जेलस थे कि आप, आप, आप कर तमन्ना के साथ सेशन। आप अपनी तमन्ना पूरी कर आप तो तो मैंने मैंने था, सब आ जाओ फिर मुझे याद आया नहीं आएगा <laughs> <है। laughs> वही तो बात है देखो बीसीसीआई ने तो ठान ही लिया था हमें मार डालने के लिए hmm. साहित्य आज तक ने इंश्योर किया जा भी नहीं सकते अगर हम चाहे भी तो क्योंकि देखिये कौन कौन से तेईस चौबीस बाईस तेईस चौबीस टेस्ट मैच बिल्कुल पीक पे था बिल्कुल अरे मैं खुद इतनी चीज़ें मैं वहाँ जा भी रहा था मैं खुद इतनी चीज़ें वहाँ देखना चाहता था सेशंस देखना मैं खुद नहीं क्योंकि मुझे यहाँ आना पड़ता था क्योंकि काम था गुलजार साहब का सेशन में देखना चाहता था वो नहीं देख पाया क्योंकि फटाओ यहाँ आना था हमें हम रिव्यू कर रहे थे फिर आ, मैं आ, विशाल भारद्वाज से मिलना चाहता था उनका सेशन तो मैंने देखा शुरुआत होते हुए लेकिन मैं उनसे मिलना चाहता था क्यों पता है वो क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं मैंने कई लोगों से सुना है क्रिकेट का कीड़ा है उनमें तो मैं उनसे इस बारे में चर्चा करना चाहता था बट अब वो टाइम नहीं मिला तो कई ऐसे सेशंस थे देखना चाहते थे पर अब सब चीज एक ही समय पे होनी थी बिल्कुल ड्रामा तो इधर भी हो रहा था बी सी ने ये मेक श्योर sure कर दिया था हाँ। कि ना वहाँ खिलाड़ी गार्डन में घूम पाएंगे ना हम लोग घूम पाएंगे हाँ। हाँ। ना रहेगा बाज ना बजेगी बासूरी ठीक है लेकिन बहुत एक और मतलब कई मायनों में ये टेस्ट मैच भारत के लिए बहुत अच्छा रहा पॉजिटिव रहा यशस्वी के रन आए पहली इनिंग में हमने देखा किस तरीके से वो अपने शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुए थे दूसरी पारी में क्या कमाल की पारी उन्होंने खेली विराट कोहली दिल खुश कर दिया भाई ने बिल्कुल तीसवा शतक ऑस्ट्रेलिया में ही डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने मतलब वो बहुत लंबे समय से लगभग चार दिन ट्वेंटी नाइन्थ ही अटके हुए थे बिल्कुल अब सत्तर से इकहत्तर जो था वो बहुत टॉर्चरस जर्नी था अस्सी से इक्यासी भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था अब अगला पड़ा हुआ है नब्बे से इक्यानबे hmm. क्योंकि अभी वो फॉर्म में आए हैं सेंचुरीज बना सकते हैं और वही डिबेट होगा हंड्रेड सेंचुरी हंड्रेड सेंचुरी लेकिन हाँ बहुत एश्योर्ड लगे थे hmm. एंजॉय कर रहे थे मीन मुझे तो याद नहीं है कि विराट कोहली ने कब एक स्पिनर को रिवर्स, रिवर्स स्वीप, स्वीप किया था पैडल स्वीप किया था बिल्कुल स्वीप यूज कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में दस साल पहले नीतन लाइन को स्वीप हाँ। कर रहे थे वो अब लगा था कि वो जोन में है एंजॉय कर रहे हैं सारे बंधनों से मुक्त एकदम खेलना एप्सोल्यूटली एक गोइंग उनका जो स्ट्रेट ड्राइव था कमाल वो था दैट

ऑस्ट्रेलिया में फिर उनको शायद इस बात का एहसास हुआ या बात करी होगी सपोर्ट स्टाफ से कोचिंग स्टाफ से उन्होंने नहीं थोड़ा यहाँ पीछे में जाता हूँ उन्होंने हालांकि गेम नहीं बदली बैकफुट गेम पे नहीं गए अभी भी वो प्रोडामिनेटली फ्रंट फुट ही खेल रहे थे लेकिन हाँ आप खड़े जहाँ होते हो वो थोड़ा बदल लेते हो तो वो एक चेंज की ज़रूरत थी उतने ने काफ़ी असर डाला और एक और चीज़ थी कि वो अपनी नेचुरल गेम से नहीं हटे हमने रिवर्स स्वीप की बात की स्वीप की बात की वो तब आया जब एक कॉन्फिडेंस लेवल आ गया रन आ गए शुरुआत में उन्होंने अपनी वो बेसिक चीज़ को ही ट्रस्ट किया थोड़ा सा चेंज किया कि हाँ मैं ऐसे ही खेलता हूँ यही मेरी स्ट्रेंथ है समय लिया रन बनाने शुरू किए एक स्ट्रेट ड्राइव पहली बारी में भी मारी थी बट मुझे खड़े अलग थे इसलिए मतलब हाँ इस बार भी स्ट्रेट ड्राइव मारी और अपनी कंफर्ट जोन में ही रन मारा यानी कि मैं कुछ बिल्कुल अलग करूँगा और जब वो होने लगा फिर जब वो थोड़े रन आ गए कॉन्फिडेंस आ गया फिर उन्होंने स्पिनर को रिवर्स स्वीप स्वीप वो सारी चीज़ें मारी तो हाँ मतलब वो हेडलाइन एक्ट है लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि वो उनका कोई परफॉर्मेंस एक बड़ा कारण बना आई थिंक भारत के लिए बहुत अच्छा हुआ उनके हंड्रेड आ गया क्योंकि सीरीज बिल्कुल आगे जाके बहुत काम आएगा उनका फॉर्म में होना लेकिन इस टेस्ट मैच में दो खिलाड़ियों ने आपका काम बना दिया बल्कि मैं मैं कहूँगा तीन खिलाड़ियों ने जिन्होंने आपका काम बनाया एक तो जसप्रीत बुमराह विदाउट डाउट दूसरे यशस्वी जायसवाल और काफी हद तक के राहुल

मैं, मैं, और लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि मैं शायद उनको ग्यारह में ना खिलाऊँ आगे जाके को. दोनों को आ, मेरे लिए अभी भी आकाशदीप स्टार्ट करेंगे क्योंकि देखिए हर्षित राणा अच्छे थे अग्रेशन भी दिखाया उनको विकटें भी मिली बट एक दो बार आप देखें एक दो विकटें मिली जब बैटर अग्रेसिव हो रहा था मारने के लिए जा रहा था पहली पारी में भी और दूसरी पारी में भी अगर आप देखें लेकिन मुझे एक चाहिए बोलर जो Thinking जिस तरह से बुमराह आउट कर रहे जिस तरह से सिराज आउट आई थिंक आकाशदीप में वो है और वो दिखा भी रहे थे सडनली आपने उनको आउट ऑफ फेवर कर दिया कि हर्षित राणा वो परेशानी करेंगे वो कर सकते हैं वो तेज भी है बट वो इतने भी तेज नहीं है वो एक वाले बोलर नहीं। भी नहीं है कि मैं उनको खिला जाऊं है ना मयंक यादव भी नहीं है इस वक्त तो उतनी तेज तो आकाशदीप भी करेंगे और पिंक बॉल है मूव करेंगे तो मैं अभी भी हूं तो मैं हर्षित की जगह आकाशदीप को लेके आऊ और अश्विन और जडेजा में से एक को मैं खिलाऊंगा ही खिलाऊंगा आप देखिए वही चीज मैं आपको बात कर रहा हूँ क्योंकि आपके बल्लेबाजों ने इतने रन बना दिए ये वो जरूरत नहीं पड़ी हाँ, आपको हाँ आपको जरूरत नहीं पड़ी पर फर्श कीजिए आपका ये ढाई सौ तीन सौ रनों का लक्ष्य होता जब हेड चल रहे थे आपके टेंशन आ रही होगी और उस टाइम आपके लिए कौन कौन विकेट निकालता जडेजा निकालते रफ आ चुका था लेफ्ट एंडर के वहां तो लेकिन वो चीज सुंदर उतने अफेक्टिव नहीं हो पा रहे थे आपने उनको इसलिए खिलाया कि चलो थोड़ी बैटिंग भी दे देंगे ना तो आपको लाना पड़ेगा अश्विन जडेजा में से एक को आपको लाना पड़ेगा आकाशदीप को जस्ट बिकॉज आप जीत गए हो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करना क्योंकि आप गेम से इतने आगे थे हो सकता है अगर ऑस्ट्रेलिया अच्छी खासी फाइडबैक दे तो आपके बेस्ट ग्यारह होने चाहिए लेकिन नीतीश रेड्डी की बात करें अगर सिद्धार्थ नीतीश रेड्डी मैं आपको बोल रहा हूँ कि उन्होंने दो क्रुशियल मोमेंट्स पर टेस्ट में हुआ था उनका एक पहले पारी में जो पार्टनरशिप उन्होंने ऋषभ पंत के साथ वो शेयर किया था अब हाइंड साइड में अगर देखेंगे तो वो 150 टोटल बहुत था बट वो लकीली टोटल ह्यूमिलिएशन नहीं था बिल्कुल सेकेंड इनिंग्स में आकर उन्होंने जो इम्पेटस दिया उससे क्या हुआ उन्होंने 140, 150 के स्ट्राइक रेट पे उन्होंने वो मार रहे थे विराट कोहली का भी सेंचुरी बनाने के लिए वक्त मिला 30 मिनट पहले वो डिक्लेयर कर दिए कुछ पांच छे ओवर लास्ट जो ऑस्ट्रेलिया ला, में खेल रहे थे वही तो दो तीन विकेट लेने में बुमराह ने तो कैपिटलाइज कर ही दिया था। तो नीतीश के जो बैटिंग था वो काफी अग्रेसिव था ठीक है बॉलिंग ज्यादा नहीं मिला उनको लेकिन वो आगे इंप्रूव भी कर सकते हैं और जहां तरह आकाशदीप की बात में बिल्कुल सहमत हूं आप अगर पिंक बॉल टेस्ट में अगर आपको अपना बॉलिंग और मजबूत और पोटेंट करना है तो आकाशदीप तो स्विंग करवा सकते हैं टॉयलाइट में पिंक बॉल में जबरदस्त स्विंग जूनियर I mean, मोहम्मद शमी, yes. शमी, <laughs> तो शमी लाइट को आप लेके आइएगा एडिलेड में हर्षित <laughs> मुझे लग रहा है उनका जो स्टाइल है बाउंसियर अगर मान लो गाबा में तो हॉर्सेस कोर्सिस कर सकते हो बिल्कुल हर्षित को आप ला सकते हो ब्रिस्बिन में और अगर स्विंगिंग है तो आकाशदीप को खिलाओ और अश्विन जडेजा अभी वॉशिंगटन सुंदर उतने इफेक्टिव तो गेंदबाजी के संग 50 50 था और फिंगर स्पिनर को उतना मदद नहीं, नहीं मिलता है ऑस्ट्रेलिया में अश्विन को तो मिलता है मुझे लग रहा है अश्विन एंड वॉशिंगटन में टेस्ट मैचेस में तो अश्विन थोड़े आगे हैं बिल्कुल प्लस नौ करोड़ पिछहत्तर लाख और मिलाए उनको तो क्यों ना एडिलेड में जलवा दिखाया बिल्कुल सही बात है एडिलेड टेस्ट में अभी थोड़ा वक्त है अपन अगले एपिसोड में विस्तार से थोड़ा फैल करके बात करेंगे अब आई ऑक्शन ऑप्शन की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ लेते हैं थोड़ा खूब धड़ाका हुआ दो दिन मतलब इतने सारे पैसे वहाँ पर बरसाए गए हैं तो सबसे बताइए सबसे सरप्राइजिंग आपको शुरुआत ही आपने आईपीएल ऑक्शन से की थी हाँ मैंने की थी मतलब डिटेल में आप घुस रहे हैं ना मतलब मतलब गोल चक्कर का ही और, हाँ, और यूटर्न बहुत लंबा टाइम बाद आ गया वो <laughs> बट क्या करें इतना अच्छा मैच चल रहा था तो हमें बात तो करनी हाँ, थी बिल्कुल, इसकी आईपीएल के थोड़े हिट्स एंड मैसेज कर लेते हैं कि किस किसकी टीम कैसी बनी है थोड़ी उस पर अपन कर लेते हैं बातचीत तो सबसे पहले सरप्राइज सबसे बड़ा क्या रहा आपके हिसाब से पूरे आईपीएल का मतलब ऋषभ पंत को इतने पैसे मिल गए सत्ताईस करोड़ वेंकटेश अय्यर को इतने पैसे मिल गए श्रेयस अय्यर ने भी अच्छे खासे सबसे बड़ा सरप्राइज आप एक खिलाड़ी के बारे में बात करें आग, आग, दो तीन दो तीन जो आँ, आँ, सबसे बड़ा सरप्राइज है शार्दुल ठाकुर का ना बिकना एक अनसोल्ड जाना मुझे ठीक है और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो सोल्ड जाएँ अनसोल्ड जाएँ पर एक ऑलराउंडर इंडियन ऑलराउंडर जो प्रोवन परफॉर्मर भी रहा है उसका अनसोल्ड जाना मुझे थोड़ा सा हैरान कर देने वाला रहा और वेंकटेश अय्यर का उतने प्राइस में बिकना जितने में वो बिके हैं वो भी मुझे थोड़ा हैरानी में डाल गया ठीक है अच्छे प्लेयर हैं अच्छी यूटिलिटी प्लेयर हैं आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं आप हो सकता है आप उनको कप्तानी भी दे रहे हैं आ, लेकिन फिर भी उतने पैसे मैं नहीं देता और खासतौर पर जब आपने श्रेयस अय्यर को नहीं रिटेन किया पैसों को लेकर ही हुआ होगा दो तीन करोड़ ऊपर नीचे के तो आप कर ही सकते थे एडजस्टमेंट तो आपने नहीं किया पर इनके लिए उतने पैसे दिए वो मुझे हैरानी हुई और दूसरा ये इसी से जुड़ा है कि केके आर -के का कप्तान मुझे नहीं समझ आ रहा कौन सबसे बड़ा मतलब यक्ष प्रश्न यही बना हुआ कि किसको बनाएंगे कप्तान ये कौन कौन बनेगा कप्तान? कौन बनेगा कप्तान कोलकाता के लिए क्योंकि कोई प्रोवन कैप्टन तो है नहीं श्रेयस अय्यर ने कोई कैप्टनसी माफ कीजिएगा वेंकटेश अय्यर ने कोई कैप्टनसी का तो कुछ ऐसे कोई जलवा आपको दिखाया नहीं है हाँ आप अगर नीतीश राणा को ले आते वापस तो मैं फिर भी समझता आप क्या रिंकू सिंह को कैप्टनसी देंगे वो भी अनटेस्टेड हैं ये yes. क्या आप नरेन को देंगे उनकी कप्तानी इतनी अच्छी रही नहीं थी उन्होंने करे हुए कई लीग्स में या रसल को देंगे तो इस वक्त जो भी आपके पास कैप्टन अगर आप मुझे प्योरली कैप्टनसी के लिहाज से बोले तो मुझे लगता है अजिंक्य राणे से बेटर कैप्टन नहीं बहुत hmm. है बहुत अंडर एटेड कैप्टन है शानदार कैप्टन है और फॉर्मेट में बहुत अच्छे कैप्टन है वो लेकिन बस प्रॉब्लम ये आती है कि वो ग्यारह में फिट आएंगे क्योंकि अगर आप रहाने को खिलाओगे तो आपको रघुवंशी को नहीं नहीं खिलाती रघुवंशी आप फ्यूचर बता रहे हो और उन्होंने कुछ गेम्स जो के 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 लिए खेले थे वो काफी अच्छे थे बिल्कुल सो रघुवंशी को आपको बिठाना पड़ेगा बाहर अब आपके पास टॉप ऑर्डर का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि क्यूडी के गुरबाज ये लोग भी है नारायण का वो एक्सपेरिमेंट काम करेगा वो ये नहीं पता वो तो जुआ है दाव है चल गया तो चल गया दाव तो दाव है लेकिन तेईस दशमलव पिछहत्तर करोड़ और वेंकटेश अयर वेंकटेश अयर मतलब अय्यर और कोलकाता का अगर आप कनेक्शन समझ सकते हो तो हा, हा, समझ लीजिएगा अयर को ही रखना है कप्तान एक अयर को ही रखना है नहीं ये और भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के आप अयर कनेक्शन देखोगे तो आप समझ सकते हो व्हाट इज द कोलकाता कनेक्शन नहीं देखते उनको तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अयर इज मैरिड टू बबीता जी बबीता जी जो कौन है कोलकाता से है तो अयर जेठालाल जी का क्रश अच्छा तो गुजरात का वो नहीं हो सकता है सिर्फ अयर का ही है वो लेकिन तो के की क्या स्ट्रेटेजी थी उनकी टीम में दो अयर थे एक ही रखा दो राना थे एक ही को रखा था एक ही चलेगा यार आ, दो confusion हो जाती है फिर हम कौन रूम सा अलोड अलोड रूम अलोड है? रूम करते हैं कोई है? टिकट में गड़बड़ जाती सब है अभी हम सब एक है ये साबित कर दिया कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक और वैसे कप्तानी को लेकर और ये सबसे बड़ी हेडलाइन है आईपीएल से मुझे लगता है विराट कोहली अब आपके आरसीबी के कैप्टन है क्योंकि अभी तक तो कोई देख नहीं रहा कोई नहीं अभी तक तो बस वही चल रहा था होंगे नहीं होंगे लेंगे नहीं पर अब जो टीम बनाई है आप मुझे बता दे कोई और आपको ऑप्शन अगर नजर आ रहा भुवनेश्वर कुमार ने कैप्टन किया है एसआरएच के, के लिए लेकिन क्या वो कप्तानी करेंगे फॉर आर सी भी कृणाल पांड्या ने कैप्टनसी की है एल के लिए लेकिन क्या वो आर जैसे ब्रांड को कैप्टन करेंगे मुझे नहीं लगता नहीं आप एक बॉलर को कैप्टन इंडियन बोलर को कैप्टन बनाओगे इन एन आई तो ठीक है थे वो आई मीन एस आर एच आपके पास इंडियन बोलर अगर उनको बनाना होता थे आपने नहीं मनाया और फास्ट बोलर को कैप्टन बनाना चिन्ना स्वामी में थोड़ा खतरे से खाली नहीं है वहाँ तो इतनी पिटाई होती है तो आपको आप बदलते ही रहते हो अपने बोलर चाहे कोई भी हो आपका रहेगा नहीं विराट का लास्ट शॉट ये तीन ईयर साइकिल में आरसीबी के लिए एक आई टाइटल जीता क्योंकि आठ साल तो उन्होंने किया ही था अगर विराट तैयार है तो ठीक वरना नहीं, होना चाहिए ना तैयार क्यों क्यों नहीं, नहीं होना चाहिए और अच्छी बात है मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने उस वक्त कप्तानी छोड़ी थोड़े दबाव में थे जिस तरह की बातें चल रही थी काफी हद तक ये तो अब जाहिर हो गया उनसे इंडिया की T20 की ले ली गई थी इसलिए उस मौके पर आकर उन्होंने कहा मैं नहीं है ना तो अब एक मौका है शायद रियलाइजेशन है और मुझे लगता है पिछला सीजन एक है जो एक रे ऑफ होप की तरह आया जहां एकदम सब कह रहे थे होपलेस है वो आते आते प्ले ऑफ में पहुंच गए ने लगा नहीं दम तो, तो है, है अभी हमारी टीम में है मौका फैंस भी हमें अभी भी सपोर्ट करते हैं उनके फैंस की भी मैं दाद दूंगा चाहे अभी तक ट्रॉफी नहीं जीती है लेकिन सपोर्ट जरूर करते हैं अपनी टीम तो उनको लगा होगा इनके लिए एक शॉट और क्यों नहीं देना चाहिए बुरे कप्तान थे भी नहीं अच्छे कप्तान है मुझे लगता है ना रिफ्लेक्ट करने का एक टाइम भी मिल गया उनको छोड़ कप्टनसी उन्होंने देखा बाहर से चीजों को तो आपको पता भी लगता है कि पीछे हमसे क्या गलतियां हुई क्या होना चाहिए बट आप ही के स्पेशल नंबर से कनेक्शन चार साल पहले छोड़े थे कप्तानी उन्होंने है ना तो इसीलिए ठीक है बट टीम वाइज देखा जाए तो आरसीबी मतलब मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि बहुत सारे प्लेयर्स के लिए उन्होंने राइट टू मैच कार्ड यूज नहीं किया भाई मैंने तो उनका ऑक्शन स्ट्रेटजी मैंने बहुत पुअर मार्क किया है और मैं अभी उससे स्टैंड करूँगा फॉर टू सिंपल रीजंस वन विल जैक्स मोहम्मद सिराज आकाशदीप ठीक है आकाशदीप को अपने ज्यादा चांसेस नहीं दिए थे ठीक Still. है स्टिल विल जैक्स उन्होंने आपको एक मैच रन रेट के बलबूते पर जीटी के, के खिलाफ जिताया था उन्होंने लास्ट ईयर हंड्रेड मोहम्मद सिराज आपके इतने सालों से स्पियर हेड बने yes. थे, उनको भी आपने राइट टू मैच के लिए नहीं किया आपके पास तिरासी करोड़ थे आप वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स के पीछे आप जा सकते थे ऐसा नहीं कि वो मेरे पास फंड ही नहीं है तिरासी करोड़ में यही आप हासिल कर पाए लियम लिविंगस्टन ठीक है जितेश शर्मा भाई अगर आपको इंक्रीमेंट चाहिए तो आरसीबी चले जाइए पांच हजार चार सौ परसेंट का हाइक मिला है उनको यस yes. पांच हजार चार सौ अब जितेश भी फॉर्म में नहीं थे लास्ट ईयर लेकिन छोड़िए आरसीबी ने कहा कोई बात नहीं नए फ्रेंचाइजी में नए रिटर्न्स लिविंगस्टन फॉर्म में नहीं है। जब भी पंजाब किंग्स के लिए खेले फॉर्म में नहीं थे बट अभी ऑफलेट देखा जाए इंटरनेशनल क्रिकेट में हाँ, था, 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 की था, की था। एक बता रहे थे कुछ इधर उधर हर जगह क्रिकेट देखते इंग्लैंड का क्रिकेट तो बहुत कवर करते बिल्कुल मैं ये मान सकता था अगर आरसीबी के पास सिर्फ पचास या पैंतालीस करोड़ रहते और ये टीम बनाते तब मैं समझ सकता था ठीक है उनके पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं था लेकिन पंजाब किंग्स के बाद सबसे ज्यादा पर्स आरसीबी के पास ही था, था। तिरासी करोड़ श्योरली आप अपना ऑक्शन स्ट्रेटेजी ये आ, सोशल मीडिया में बता नहीं सकते कि यार बहुत बड़ी चीज आ रही है सबर करो सब्र करो ऐसे नहीं होता है कई लोग आ, मैं एक ट्वीट देख रहा था डोडा गणेश को कर्नाटका से आते हैं फॉर्मर इंडिया प्लेयर है तो उनका ये कहना था कि एक तो उन्होंने कहा कि देखिए कर्नाटका के प्लेयर्स आप क्यों नहीं कोशिश करते बट वो ठीक है उस पर अलग अलग राय हो सकती है लेकिन एक उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ बताई कि अभिनव मनोहर है एक ऑलराउंडर है कर्नाटका से आते हैं अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी रहा है तो आप वेंकटेश अय्यर के लिए बिडिंग में बीस बीस करोड़ तक चले गए थे अभिनव मनोहर के लिए हाँ जबकि वो है। एक तरह से ऑलराउंडर भी नहीं है उन्होंने नौ आठ दस ओवर ही डाले ये तो प्रॉपर एक ऑलराउंडर है हालांकि स्टेट वेंकटेश अय्यर को मैंने देखा था रणजी में नई गेंद के साथ बोलिंग नहीं करते। वो मैं समझ रहा हूँ लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आप आईपीएल इतिहास देखेंगे क्या किया है अग्री और चलो मान भी रहे ऑलराउंडर तो मैं कह रहा हूँ क्या इन दोनों में इतना फर्क था उन्होंने कहा अगर ये दो तीन करोड़ में मिल रहा है लेना चाहिए आपका लोकल बॉय और इसका मतलब उनका कहने का मतलब कि आप एक ऑलराउंडर देव ढूंढ रहे हैं फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मतलब वो आपकी तलाश है तो आपने चलिए वेंकटेश अयर के लिए गए और वो आपके नंबर वन चॉइस थी तो वो बीस बाईस तक चला गया आपके आ, बहुत बजट से बाहर गया आपने छोड़ दिया वहां पर तो वही अगर आपको स्लॉट भरना है आप एक लोकल बॉय आपको मिल रहा है जो प्रोवन परफॉर्मर है उसी स्टेट से भी आता है

लखनऊ गए मेरे ख्याल नहीं, से नहीं नहीं आई विल जस्ट चेक माय बस तो वो चेक जिस भी टीम में गए हैं वो 11 में स्टार्ट करेंगे ही करेंगे मेरा कहने का मतलब ये है वो जिस भी टीम में गए वो 11 में 100% स्टार्ट करेंगे तो अगर आपको 11 स्टार्टिंग में एक ऑलराउंडर चाहिए था जो एक स्टार्टर हो जो आपके 11 में आए तो आप उसके लिए नहीं गए बड़ी हैरानी मनोहर गए हैं एसआरएच 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 में गए हैं फॉर वेरी मतलब वो स्टील था मेरे लिए ये अभिनव मनोहर का जाना उसमें फॉर एसआरएच एक और बड़ी स्टील मैं कहूँगा के राहुल चौदह करोड़ में बहुत बड़ी स्टील है क्योंकि आप जब हम प्रीव्यू कर रहे थे तो आपको पता था भारतीय बल्लेबाज इतने में ही जाएंगे तो पंथ श्रेय सैर और के राहुल उसी रेंज में है ठीक है आप किसी को अगर बाईस दे रहे हो किसी को इक्कीस दे सकते हो किसी को बीस दे सकते हो बट वही रेंज चल रहा है ये दोनों जितने में गए हैं छब्बीस सत्ताईस करोड़ में जा रहे हैं और वो चौदह में गया है बहुत बड़ा अंतर है लेकिन इन प्लेयरों में उतना अंतर नहीं है हमने बैठ के सारे आंकड़े भी निकाले हैं ओवरऑल तो केरल को कई के बार गाड़ियाँ गालियां पड़ जाती है लेकिन वो पड़ती है स्ट्राइक रेट में और स्ट्राइक रेट में भी कईयों से बेहतर है इन इन्हीं के साथ हमने तुलना करी है तो वो मतलब उतने बुरे बल्लेबाज नहीं है और तो चौदह करोड़ में जो मिले हैं वो इंडियन बैटर टॉप ऑर्डर बैटर

और दिल्ली वाले ने मतलब जो बैठे हुए थे सेठ जी वहाँ पे <laughs> वो बहुत खेल है। किया है उन्होंने बहुत खेल किया है वो ट्रेंडिंग वो हर बार करते हैं ऑक्शन <laughs> में वो हर बार करते हैं वो कईयों के दाम बढ़ा देते हैं फिर उनके मीम्स तो सोशल मीडिया पे आप देखिएगा ये डर भी था <laughs> पंजाब और दिल्ली के बीच जो प्रदूषण डर भी था ना भाई <laughs> मैं प्राइस बढ़ाऊंगा <laughs> नहीं हम ले लेंगे बॉलीवुड सिनेमा था वो <laughs> तो तो बिडिंग स्ट्रेटेजी की बात ऑक्शन स्ट्रेटी की बात कर रहे थे कौन सी ऐसी टीमें एक या दो का नाम लेना चाहिए जो बहुत स्मार्ट स्ट्रीट स्मार्ट दिखी वहां पे कम पैसे खर्च किए बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स चुरा लिए वहां गुजरात टाइटन्स मेरे को गुजरात टाइटन याद आ रही है जो पुरानी राजस्थान टीम होती थी ना सबसे सेंसेबल होती थी ऑप्शन में पैसे कम खर्चती थी खिलाड़ी अच्छे ले जाती थी और जरूरी नहीं नामी गिरामी लोग अफेक्टिव लोग जो काम कर जाएंगे उनके लिए अब वो वही बिल्कुल रूप जो है मुझे गुजरात टाइटन्स में नजर आता है बहुत अच्छी शार्प स्ट्रेटेजी अच्छे अच्छे प्लेयर लेके गए हैं अच्छी रिटेंशन भी उन्होंने कर ली थी कोर भी अपना रखा हुआ है सात आठ प्लेयर बल्कि उससे शायद ज़्यादा ही होंगे उनके जो पुराने कोर के तो और कैप्टनसी भी उनकी लग, अब देखिए बहुत जगह तो कैप्टनसी बदलेगी आपको थोड़े ले में आने में टाइम लगेगा इनकी कप्तानी भी वही है कोर भी वही है वही सपोर्ट स्टाफ वही कोचिंग स्टाफ तो आप आगे ही बढ़ रहे हो और टीम भी अच्छी चुन रहे हैं गुजरात टाइटन्स मैं कहूँगा मेरे लिए सी एस के एज यूजल स्मार्ट बॉयज उन्होंने किया था एंड जितना आप देख देख रहे हो एक इंडिकेशन भी है कि चेपॉक कैसा होगा 2025 आईपीएल में क्योंकि वही होगा शायद स्पिनर्स ही खिलाओ स्पिन friendly, चोक कर दो खिलाकर चोक कर दो स्पिन खिला खिलाकर क्योंकि देखिए अश्विन और नूर ये दो बहुत बड़े बाइज हैं उनके लिए अश्विन खेलेंगे चेपॉक में शायद नूर को खिलाएंगे

क्योंकि अगर आप देखेंगे मुंबई इंडियंस के लिए एक विकेट कीपर ये मेगा ऑक्शन में अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है वो उन्होंने शायद में देखा था रायन रिकल्टन को खेलते हुए तो उनको शायद लगा कि उनके पीछे जाएंगे उन्होंने शायद सबसे ज्यादा बोलिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए किया होगा तो शायद उनको लगा ठीक है हम ईशान किशन के पीछे उतना नहीं जाएंगे ग्यारह करोड़ फॉर एस ठीक है मुझे कोई सरप्राइज नहीं लगा कि नॉट नेसेसरी ना लॉयल्टी जरूरी नहीं होता है हर टीम में चुकी मुंबई इंडियंस के बारे में जो कहा जाता है कि एक फैमिली कल्चर वहां पे चलता है आप प्लेयर्स को फैमिली का पार्ट मानते हो ईशान किशन उस कोर का हिस्सा तो थे 2024 में क्योंकि सास भी कभी बहुत ही बना दिया था कोई फैमिली कल्चर नहीं था उसने <laughs> बाहर के जो भी आते थे कुछ भी बोल देते थे और माहौल गर्माया जाता था ये वही हो गया था फैमिली जो है टिपिकल एकता कपूर सीरियल बन चुका था मुंबई इंडिया हार्दिक पंड्या से तो दोस्ती भी अच्छी खासी ईशान किशन की, की वो भी एक एंगल है नहीं देखिए इसमें कई बार ऐसा भी होता है कई टीमें जाना चाहती हैं लेकिन वो वेट करती है मैं आ, 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 मिसाल के तौर पर

क्योंकि मेरे हैं बट लगा होगा कि एक्सीड कर गए अब आप ही की बिडिंग मेरी अगर सात का बजट था आप लोग सात के पार चले गए फिर मैं पुल आउट ही hmm. रहता हूँ तो आपको दिखेगा नहीं वो उसके लिए इंटरेस्टेड है या नहीं क्योंकि एक रिलेशनशिप आपने सही कहा उनके साथ है हार्दिक पांड्या की भी दोस्ती है पर देखिए जो उनका पिछला सीजन गया जिस तरह का इन पर दबाव है अच्छा करने का तो थोड़ा बहुत आपको ये देखना है यारी दोस्ती से ऊपर उठ के कि भाई टीम में इस बजट में सबसे बेहतरीन क्या बनाऊँ और वो एक और चीज़ मुंबई इंडियन की मुझे अच्छी लगती है बाकी टीमों की तरह जैसे अब आप आरसी भी देखते हैं कई बार या आ, पंजाब देखते हैं या दिल्ली भी कुछ हद तक हर जगह कहीं ना कहीं आ जाती थी बीटिंग में कोई अच्छा नाम आया मुंबई एकदम चुपचाप रहती है आती है तो फिर जाती है, है एक्सट्रीम तक या आएगी नहीं तो मतलब उनके वही गिने चुने प्लेयर ही होते हैं डिसाइडेड होता है इसी को लेना है और अगर इसको लेने में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चले भी गए तो हम जाएंगे तो हो सकता है एक वो भी दबाव है कि आपको अच्छा करना है और उनके मुताबिक इस वक्त बेस्ट कॉम्बिनेशन में ये बन रहा है उनकी टीम बुरी नहीं है जो ए, ए, टीम बनी है उन्होंने अपनी कोर एक रखी हालांकि ऑक्शन में मैं इतना इंप्रेस नहीं हुआ उनकी स्ट्रेटेजी से जो जो प्लेयर उन्होंने लिए लेकिन जब अपने पांच कोर मेंबर ही रोक लिए वहीं से आधे से ज्यादा काम तो वही कर दिया था यहां थोड़ा ओके भी किया तो ओवरऑल टीम बुरी नहीं लग रही और कंडीशन के हिसाब से उन्होंने भी लिया जैसे चेन्नई ध्यान रख रहा था उनको अपनी कंडीशंस के लिए कैसे खिलाड़ी ले रहे हैं मुंबई ने भी अपनी कंडीशंस को रखते हुए आप बोल्ट को ले आए तो वहां पर चेहर, और दीपक चेहर चेहर को ले आए।, आए मतलब आपको पता है वो स्विंगिंग करने। तो लोग अक्सर कहते ना आप अपने अगर होम गेम्स जीतते रहो बाकी अवे इक्का दुक्का आप जीत के आप सॉर्टेड हो बिल्कुल तो आप फोकस होम पे करें बट एक टीम जो थी जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे थे पर्स में है ना बहुत इक्के दुक्के खिलाड़ियों को उन्होंने रिटेन किया था पंजाब के एक सौ दस करोड़ से <laughs> बिल्कुल टीम बनाई वो दो ही अनकैप्ड लोगों को उन्होंने रिटेन किया था शशांक सिंह और प्रभ सिमरन इन लोगों को उन्होंने रिटेन कर दिया लेकिन अब दो टीमों का उनका नाम बदलना पड़ेगा ऑस्ट्रेलियन किंग्स और श्रीलंकन रॉयल्स <laughs> और समझ सकते हैं क्योंकि हेड ऑफ जो भी ऑस्ट्रेलिया आप, हाँ, तो तो आप लखनऊ में भी देख लीजिए खिलारी और राजस्थान रॉयल्स में आप जानते ही है कौन है राहुला भी थे तो वो श्रीलंकन इन्फ्लुएंस तो होगा ही होगा ना बिल्कुल तो दैट इज वाई अभी भी जुड़े हुए

लखनऊ सोनेट सुपर सोनेट सुपर सोनेट सुपर सोनेट सात सात विजय दहिया नहीं सोनेट के तो पंत है ना अच्छा हाँ पंत, पंत भी है आयुष तो बडोनी भी है आयुष तो, तो, तो पहले से ही थे वहाँ पे हाँ तो, तो, तो मतलब वहाँ पे और जो बाद में उन्होंने अनकैप बहुत सारे चुने हैं वहाँ पे सात आठ प्लेयर हैं सोनेट के दो तीन सोनेट के मैं देख रहा था गुजरात में भी गए आशीष नेहरा <laughs> तो इसीलिए ये इसलिये। तो होता ही है मतलब थोड़ा सा आप देख रहे हो वहां का स्यापा करने के लिए पंजाब ही थे जिन्होंने दिल्ली को तो कितना उन्हें नुकसान पहुंचाया हम ये प्लेयर को बिट कर रहे हैं और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे मुकेश कुमार का जैसा किया था एक चीज बताऊं वैसे टीम बहुत अच्छी लग रही है पंजाब की और टीपर अच्छी उन्होंने खिलाड़ी चुने बट एक ही चीज है मैं सबको कहता हूँ हर हर पंजाब की तितर वो, हो जाती आपको है। वो ही लगेगा किंग्स में आप एक बहुत सुंदर से महल में जा रहे हो बाहर से अंदर जाएंगे तो खंडर खंडर <laughs> ऐसा ही लगेगा आपको पंजाब किंग्स में ऐसा ही होता है लेकिन हाँ दिल्ली का एक बहुत ही प्रॉमिसिंग प्लेयर जो डीपीएल में उन्होंने काफी अच्छा किया था साढ़े तीन दशमलव आठ करोड़ शायद डीपीएल में छक्के मारे थे ओवर में तो वो आए हैं तो वो एक इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट होंगे और पंजाब तो लोकल टैलेंट्स मैं मानता हूं पंजाब किंग्स एकमात्र टीम है जो लोकल टैलेंट्स को बहुत बढ़ावा देते हैं आशुतोष तो तो शर्मा है। से पूछ लीजिए शशि शा, सिंह से, शांग से, से, से पूछ लीजिए और बाकी कितने अरशदीप अर्शद वो वही अर्शदीप नहीं बनते अगर पंजाब किंग्स में नहीं होते तो टू देम कि वो लोकल टैलेंट को एनहांस करते हैं और वही मकसद है आईपीएल का बाकी और कोई टीम नहीं करता है लास्ट कोलकाता नाइट राइडर्स के कौन सा लोकल बेंगाल प्लेयर खेले थे चेन्नई की टीम भी नहीं चेन्नई की टीम भी नहीं करती है सही बात है चेन्नई में लास्ट एक जो प्रॉपर तमिलनाड से जो खेला था लेकिन अब हैं नहीं विजय शंकर शंकर भी तो तो आए शंकर, शंकर, so, <laughs> हो रहा है yes. तो इसीलिए बट हाँ आरसीबी में लास्ट ईयर विशाख था hmm. विद्वत कावेरप्पा था सो so, इस बार तो कोई नहीं है सिर्फ मनोजी है वहाँ पे और तो कोई नहीं हैदराबाद आंध्रा से कौन है नीतीश रेड्डी सिर्फ एक नीतीश बट वो एक दो साल पहले आए थे उसके पहले कौन थे बहुत कम थे कोलकाता आपके सब लास्ट तो मुझे वही वेणुगोपाल राव डेक्कन चार्जर्स से चार्जर खेले चार्जर थे तो तो कब था।, था एक जमाना हो गया अर्जी थी, थी वो और कोलकाता दिल्ली के साथ है हां हां वेणुगोपाल हाँ। राव यस कॉल तरफ क्रिकेट कोलकाता में बहुत समय तक सबसे प्रोमिनेंट जो बंगाली थे वो शाकिब अल हसन थे सच्ची। <laughs> हाँ, <ही> बात है।, <laughs> पर वो है है वो बंगाल का एक ये है मैंने हाँ। देखा जब दादा के जमाने में डिवाइडेड बाय बॉर्डर है लेकिन उनका हाँ। जो बंगोलियत है वो जी लैंग्वेज वाला है ना सर हाँ। बांग्ला जो एक शाकिब को तो बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है कोलकाता और सेम सौरा गांगुली बांग्लादेश में तो गए मैंने देखा है कवर किया उनके लिए प्रिंस ऑफ कोलकाता बांग्लादेश में भी हिट है पहले ऐसा नहीं था कि क्या लक्ष्मी रतन शुक्ला देवा yes, प्रता दास, दास मनोज तिवारी मनोज तिवारी भी थे तो सब, थे, तो सब लोकल बंगाल टैलेंट वो लोग लेते थे श्रीवत्स, श्रीवत्स भी थोड़ा खेले थे के, नहीं वो आरसी भी खेले आरसीबी में थे तो दैट्स वाई लोकल टैलेंट ओनली पंजाब किंग्स और इसके लिए कूडोस्ट इसलिए ठीक है अब टीम चूंकि मोटा माटी बन गई है वहां पे है ना एक हमें तस्वीर दिख रही है कि कौन से प्लेइंग इलेवन हो सकते हैं संभावित जो दिल्ली के विषय में तस्वीर मतलब तस्वीर दिख रही है वो मत बताइए प्लीज क्यों पॉल्यूशन पॉल्यूशन के चक्कर में साफ से कहाँ दिखे बार बार ये जो हौस खास नहीं है बढ़िया था लेकिन जोक सपाट हम देखें तो कौन सी टीम सबसे ज्यादा बैलेंस्ड आपको नजर आ रही है मतलब एक या दो टीम का नाम अगर आप लेना चाहें सी एस के बैलेंस्ड है कोर के साथ स्मार्ट बाइज उन्होंने किया है और जो लूप होल्स थे उन्होंने वो प्लग किया है तो सी एस के मेरे लिए अच्छा है जी टी ये इन्होंने स्मार्ट बाइज करके उन्होंने अपना जो भी है बैटिंग वाइज बॉलिंग वाइज सब सॉर्टेड है उनका सो दैट इज़ वाई वो एक है एंड इट ये दो है मेरे लिए सी एस के और जी टी मेरे लिए इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि पिछले 24 घंटे में हम काफ़ी एनालिसिस कर रहे थे लेकिन एक चीज़ है एक स्टैंडआउट फीचर मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं गलत भी हूँ जितने भी ऑप्शन थे ना उसमें टीमों को ग्रेड करना मुझे ज़्यादा आसान लगा इस बार मुश्किल लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है आज के दिन में हर एक टीम ने एक ऐसा स्क्वाड असेंबल किया है कि उसको लगेगा कि हम आई जीत सकते हैं जो एक अच्छी बात है मतलब देखिए अंत में तो एक ही टीम जीतेगी यानी कि नौ गलत होने वाले हैं लेकिन इट्स इतना क्लोजली कॉन्टेस्टेड है क्योंकि आज मैंने पूरा दिन दोबारा कल रात तक हमने इसका एनालिसिस किया आज मैंने फिर बैठ के सारे स्कॉट्स देखे मतलब बड़ा मुश्किल हो रहा है किसी को एक ऊपर नीचे और एक को नीचे कईयों की बड़ी आलोचना हो रही है लेकिन मैं उनको गौर से देख रहा हूँ वो भी ठीक लग रही है तो मुझे लगता है इस सिनारियो में जो भी टीमें टॉप चार में पहुंचेगी उनकी काफी तारीफ बनती है क्योंकि बहुत क्लोजली कंटेस्टेड आईपीएल होने वाला है मुझे कई बार होता है लेकिन फिर भी आप एक देखते हैं एक बट सा जाता है दो तीन नीचे रह जाती हैं थोड़ी दो ऊपर निकल जाती हैं बीच की चार पांच लड़ती रहती हैं उन yes. स्पॉट्स के लिए कुछ ऐसा होता है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला बड़ा कंपेटेटिव आई होगा इस तरह की टीमें कुछ बटी हैं है। और शायद ये फायदा है मेगा ऑप्शन का कई बार हम कहते हैं मेगा ऑप्शन नहीं होना चाहिए वो टीमें रहने दो शायद क्योंकि एक इम्बेलेंस आ जाता है वापस सब भेजते हो फिर आते हैं सेम प्राइज मनी है कहीं ना कहीं है मतलब आप मुझे बहुत पुश करेंगे तो मैं इक्का दुक्का मैं मेरे को भी लगता है गुजरात थोड़ी आ, अच्छी नज़र आ रही है दिल्ली की टीम अच्छी नज़र आ रही है पंजाब की टीम अच्छी नज़र आ रही है आ, चेन चेन्नई इतना नहीं कहूँगा मैं कोलकाता भी कुछ हद तक थोड़ी बहुत बीच की टीम नजर तो इस वक्त मुश्किल है बट हाँ गुजरात पंजाब दिल्ली ये थोड़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है बट वो भी मैं कह रहा हूँ एकदम टॉप ऑफ द हेड कह रहा हूँ जितना hmm. जितना मैं डीप जा रहा हूँ जितना उनको गौर से पढ़ रहा हूँ मुझे लग रहा नहीं यार इसमें भी ये चीज़ है और जो ऐसा नहीं कि ये हर वक्त कन्फ्यूजन होती है पिछले कई आई सीजन मुझे याद आते हैं मेरे लिए थोड़ा आसान होता था कि दो तीन टीमें मैं पिक कर लेता था ये ऊपर वाली है ये दो तीन नीचे वाली हैं बट इस बार ज़्यादा मुश्किल आ रही है बिल्कुल और यही होगा कि मतलब सीजन जब शुरू होगा अच्छा सबसे अच्छा सबसे गलत हो गया क्यों होता है क्योंकि आपको नहीं पता होता कौन सा वर्जन कब आ रहा है मैं आपको मिसाल के तौर पर बोलता जैसे कोलकाता है नरेन किसी सीजन एज एन ओपनर आउटस्टैंडिंग है किसी सीजन फेलियर है इकलौती चीज वो बदल देती है पूरे टीम का कॉम्बिनेशन रसल एक सीजन एक ऐसे हो सकते हैं दूसरे अब मुझे क्या पता कौन से रसल आने वाले बिल्कुल वही परेशानी सेम चीज मैं आपको मैक्सवेल के लिए आप चले जाइए अभी कई लोगों को लग रहा है भाई ये बहुत स्टील है बहुत अच्छा क्योंकि वो परफॉर्म कर सकते हमें नहीं पता कौन से वाले मैक्सल आएंगे अगर वो अच्छे

मुश्किल होता है कौन से प्लेयर कब कैसे परफॉर्म करें कौन सा इम्पैक्ट देंगे इसी की वजह से आई में ये करना बहुत मुश्किल है चलिए तो आई में टीमें भी बहुत सारी हैं और ऑक्शन एक समुद्र की तरह है इतना बड़ा है जितना आप इसका मंथन करेंगे हर बार कुछ ना कुछ नया निकलता रहेगा तो अपन आई जैसे करीब आएगा तो इस पर और विस्तार में बात करेंगे बीच बीच में खबरें आएंगी तो अपन विस्तार में बात करेंगे फिलहाल बी हमारा चालू है जारी रहेगा और अगला मुकाबला तो पिंक टेस्ट है उससे पहले बैठ की लगेगी दोबारा

जो एक्ट्रेस है कंगना।, कंगना वो उनको कहती है कि छोड़ दीजिए तो उनका एक डायलॉग है वो कहते हैं क्या कि अगर तुम प्यार में हाँ, अगर तुम अपने प्यार में इतनी ईमानदार ना होती मैं कुछ बेईमान ना होता और आज अगर सोमवार ना मार होता तुमको गोली मारे बोले ना कसम आज इसको गोली मार तो मैंने उनको कहा स्टेज पे गए और क्या जबरदस्त अंदाज में उन्होंने कहा वहां सीटिया वो आप बिल्कुल तो, तो देखिएगा ही YouTube पर अवेलेबल है आप जिमी तक डालेंगे, तो आपको लिंक मिल जाएगा, है ना? तो हाँ, हमारे हाँ। निखिल सर ने उस है उसमें एक सेशन जो मुझे पता नहीं था वो वो प्राजक्ता तो उसमें एक आंटी जी खड़ी हो गई सवाल ले रहा था वो खड़ी हो गई वो उनका सवाल और उनका जवाब वायरल हो गया उनका सवाल ये था कि यार आप सीधा सवाल आप इकतीस साल की हो गई है आप शादी नहीं कर रही है। आज हैं आजकल की लड़कियां जल्दी शादी क्यों नहीं करती सीधा उन्हें सवाल पूछा तो उन्होंने कहा नहीं है मेरे को तो लगता है नहीं नहीं वो छोड़ा ही नहीं आंटी ने बोला नहीं आप लोगों की वजह से बिगड़ रहे हैं तो मैंने पूछा आंटी आपकी तो कोई बेटी नहीं बोला हाँ मेरी है वो नहीं कर रही है इसलिए <laughs> तो फिर वो प्राजक्ता ने कहा नहीं अब आप अपनी बेटी की अपनी प्रॉब्लम अलग समझिए आप तो वो चीज वायरल मोस्टली सेम सैनिटी मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है तो गुस्से से आई हुई थी उससे बोला मैं इसलिए अपनी बेटी को यहाँ लाई भी नहीं कि चाहती नहीं आप लोगों को सुने तो बड़ा मज़ेदार सेशन रहा है तो उसको भी इंजॉय करिएगा और बल्ला बल्लाबॉल पर भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं आप लोग बताइएगा कि आई में कौन सी टीम जो है सबसे अच्छा ऑप्शन में कर पाई है और कौन सी टीम आई जब लीग अगला सीजन शुरू होगा तो सबसे अच्छा कर सकती है कौन सी टीम कहाँ चूक गई और निश्चित तौर पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी को लेकर के जो आपके मन में उद्गार होंगे उसको व्यक्त करेंगे ही आप आपके कमेंट्स में लगातार पढ़ता हूँ कोशिश होगी आगे से हम कुछ कमेंट्स भी धीरे धीरे लेना शुरू करेंगे है ना तो वहाँ अपने कमेंट्स आते रहे आते रहने दें और वीडियो को लाइक करना ही है थोड़ा इसकी रीच बढ़ाइए लगातार यूट्यूब पर नए लोगों तक पहुँचाइए इस वीडियो को तो इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया